हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हो टेक्निकल रजत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ऑल इन वन पावर सप्लाई बनाएंगे, वो भी बिना किसी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करे हुए। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये पावर सप्लाई आपको आउटपुट में 5 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक दे देगी। तो दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे पावर सप्लाई एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितने भी वोल्ट का यहाँ पे लोड लगाओगे तो ये जो पावर सप्लाई होने वाली है ये ऑटो सेंस करके ऑटोमेटिक वोल्टेज एडजस्ट कर लेगी उस लोड के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई होने वाली है, हाई एम्पेयर पावर सप्लाई होने वाली है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही कम कंपोनेंट के साथ ये पावर सप्लाई बन जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट ड्रा करे हैं। तो ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दो हमने बनाए हैं। तो ये हमारे पॉलिस्टर कैपेसिटर, जिनको हम नॉन पोलर कैपेसिटर भी बोलते हैं या फिर सिरामिक कैपेसिटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी जो वैल्यू है दोस्तों 155J 400 वोल्ट है। ये दिखने में कैसे लगते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। ये दिखने में दोस्तों कुछ इस तरह से लगते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पॉलिस्टर कैपेसिटर। ये दोनों दोस्तों हमने इस्तेमाल करने हैं 155J 400 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इनके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे हमने रेजिस्टर का इस्तेमाल करा है। तो दोस्तों, इसके साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने इन पॉलिस्टर कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के साथ कुछ रेजिस्टर लगाए हैं। यहाँ पे भी एक रेजिस्टर लगाया है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टर हमने लगाया है। तो दोस्तों, ये जो आप यहाँ पे रेजिस्टर इस्तेमाल करोगे तो इनकी जो वैल्यू है वो दोस्तों 200 किलो ओम से लेके 470 किलो ओम तक रख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो रजिस्टर तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको कलर कोड बता देता हूं कि 470 किलो ओम का कलर कोड क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे 470 किलो ओम का रजिस्टर इस्तेमाल करते हो तो उसका कुछ कलर कोड इस तरह से होगा। सबसे पहले येलो बैंड होगा, येलो, फिर होगा वायलेट, फिर येलो और फिर गोल्डन। ठीक है, मैं यहां पे गोल्ड ही लिख रहा हूं, आप पूरा ही लिख देता हूं गोल्डन। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे 470 किलो ओम का रजिस्टर इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आपने सिंपल ये वाला कलर का रजिस्टर देखना है जिसकी जो 4 बैंड हो और 4 बैंड की जो ऊपर जो कलर है वो होना चाहिए। पहला येलो होना चाहिए, दूसरा वायलेट होना चाहिए और जो तीसरा है वो भी येलो होना चाहिए और जो फोर्थ और लास्ट है वो होना चाहिए गोल्डन। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कलर कोड का आपके पास रजिस्टर है तो वो 470 किलो ओम का है। ठीक है, तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे 220 ओम का रजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो 220 किलो ओम का जो रजिस्टर है उसका जो कलर कोड होता है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। किलो ओम उसका जो कलर कोड होता है दोस्तों वो होता है रेड, रेड, ग्रीन और गोल्ड। ठीक है, मैं आपको ये एडिशनल जानकारी दे देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास 220 किलो ओम का रजिस्टर भी नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, जो 100 किलो ओम जिसको हम 1 मेगा ओम भी बोलते हैं वो रजिस्टर लेना है और 2 रजिस्टर लेके आपस में सीरीज में कनेक्ट कर लेने हैं, जिससे क्या होगा उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 200 किलो ओम की। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको 100 किलो ओम या फिर 1 मेगा ओम जिसको हम कहते हैं उसका कलर कोड भी बता देता हूं, ताकि अगर आपको ये वाले रजिस्टर नहीं मिलते हैं तो आप 1 मेगा ओम के रजिस्टर सीरीज में 2 लगा के 200 किलो वोल्ट की रजिस्टर बना सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूं। तो 100 किलो ओम वाले का दोस्तों जो कलर कोड होता है वो होता है ब्राउन, ब्राउन, ब्लैक, 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 ब्लैक और यहां पे लास्ट में होता है गोल्डन। तो दोस्तों, ये तीनों जो रजिस्टर है ये 4 बैंड रजिस्टर है और इनका कलर कोड मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वाला मिल जाता है 470 किलो ओम येलो, वायलेट, येलो और गोल्डन कलर का तो ये बेस्ट है आपके सर्किट के लिए। अगर ये नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पे 220 किलो ओम जिसका जो कलर कोड होता है रेड, रेड, ग्रीन और गोल्डन, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो भी नहीं मिलता है तो 1 मेगा ओम जिसको हम 100 किलो ओम भी बोलते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट आपको वो 2 लगाने पड़ेंगे सीरीज में। ठीक है, जिससे वो बन जाएंगे 200 किलो ओम के। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 470 किलो ओम का रजिस्टर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक 220 किलो ओम का रजिस्टर पड़ा है, एक उसका इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पे
100 किलो ओम के चार रजिस्टर का इस्तेमाल कर लेंगे, दो दो को हम सीरीज में कर लेंगे और एक रजिस्टर बना देंगे, ठीक है। ये हम आगे सर्किट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि कौन सा कलर कोड किस रजिस्टर का होने वाला है। सबसे बढ़िया तो ये है कि आपको 470 किलो ओम का मिल जाता तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम मिलता है, तो आप बाकी वालों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये हमारे जो नॉन पोलर कैपेसिटर उनके बारे में भी बता दिया और उनके साथ लगने वाले रजिस्टर को भी बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर क्यों लगाया जाता है ये अभी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हमारे ये कैपेसिटर है जब हम अपनी सप्लाई ऑन करेंगे तो ये कैपेसिटर दोस्तों चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, चार्ज हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे हाथ लगाते हो सप्लाई बंद करके भी, बट इन कैपेसिटर में अभी भी वोल्टेज रहेगी क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज है। जैसे ही आप हाथ लगाओगे तो आपको एक जोरदार झटका लगेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिस्चार्ज करने के लिए इनके पैरेलल में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर इसमें कोई वोल्टेज है तो वो डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके आगे दोस्तों आपको ये दिख रहा है जो ये है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। जी हाँ दोस्तों ये सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। तो दोस्तों ये वाला जो सर्किट है ये काफी पावरफुल होने वाला है और इसका जो अम्पेयर है वो काफी ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा जनरली यूज होता है डायोड IN4007 जब 1007 उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसका अम्पेयर कम होता है। आज जो हम डायोड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसकी वैल्यू होने वाली है IN5408 डायोड। जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा IN5408 डायोड, और इसका जो अम्पेयर रेट है ये होता है 3 एम्पेयर, ठीक है, और वोल्टेज रेंज इसकी होती है 1000 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। तो ये सिंपल दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। मैं आपको फिर भी बता देता हूं ये वाली जो साइड जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रही है ये डायोड का वो पोर्शन होता है जहां पे सिल्वर कोट हुआ होता है। ये वाला ये डायोड है यहाँ पे ये आपको सिल्वर कोट दिख रहा है, ये इसका ये वाला पोर्शन है जो हमने ज्यादा ब्रॉड कर रखा है, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों होता है कैथोड और ये जो पूरा ब्लैक होता है ये इसका एनोड होता है, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। ये होता है कैथोड, सी से डिनोट कर देता हूं, तो ये वाला मैं रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, ये होता है हमारा एनोड। होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हमने क्या करना है, अभी हमने इस सर्किट को ड्रा करना है और बाद में इसकी वर्किंग और इसकी टेस्टिंग करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्किट को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एसी इनपुट सप्लाई है जो हमारे घरों में आती है नॉर्मल, ये दोस्तों हम यहां से, तो दोस्तों यहाँ पे हम 200 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक कोई भी सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। हम यहां से अभी सर्किट बनाना शुरू करते हैं। तो हमने क्या करना है, यहां से एक वायर लेनी है और ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है इसके साथ इसका जो एक टर्मिनल है उसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। और जो दूसरा वाला जो हमारा न्यूट्रल समझ लो या फेज है उसको हमने दूसरे वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे न्यूट्रल फेज मायने नहीं रखता, आप किसी भी कैपेसिटर के इनपुट में दे सकते हो। तो दोस्तों अभी जो हमारे दोनों नॉन पोलर कैपेसिटर है उनके इनपुट में एसी वोल्टेज हमने दे दिया है, ठीक है। एक वायर दोस्तों हमने इस कैपेसिटर के इनपुट में दे दी, एक इस वाले के इनपुट में दे दी, ठीक है। बाकी रजिस्टर तो आपको मैंने बता दिया कि किस लिए इस्तेमाल हुआ है और कितने ओम का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। तो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में दोस्तों टोटल 4 डायोड लगे होते हैं और ये 4 डायोड दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये आपके एसी को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों, अगर आप ये समझना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ओरली बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि ये वाला पोर्शन, यहाँ पे दो जो डायोड होते हैं ये आप देख पा रहे हो, मैं आपको समझा ही देता हूँ दोस्तों। तो इसका जो सिल्वर पोर्शन है दोस्तों हमने यहाँ पे रखना है और दूसरा ये डायोड है इसका सिल्वर पोर्शन हमने इस तरह से रखना है, ठीक है। और बाकी के जो दो है, एक का सिल्वर पोर्शन हमने यहां पे रखना है और एक का हमने इस साइड रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, जिस साइड दोनों हमारे सिल्वर कोट आ रहे हैं वहां से हमें पॉजिटिव का आउटपुट मिल जाएगा और जिस साइड दोनों ब्लैक आ रहे हैं वहां से हमें नेगेटिव का
आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो सेंटर में दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं, एक में जहां सिल्वर होगा, एक में जहां पे ब्लैक होगा, यहाँ पे आपने इनपुट जो एसी आ रहा है वो कनेक्ट करना है। सेम दूसरी साइड भी एक सिल्वर होगा एक ब्लैक होगा, वहां पे आपने इनपुट जो एसी आ रहा है वो कनेक्ट करना है। तो होप आपको ब्रिज रेक्टिफायर की थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो हमने ये सेम ऐसा ही सर्किट यहाँ पे बना देना है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया है। तो हमारे ये वाले दोस्तों पॉइंट होने वाले हैं एसी के, एक ये होने वाला है, एक ये होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो सिल्वर कोट वाला है, एक यहाँ पे ब्लैक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सिल्वर कोट वाला है, एक यहाँ पे ब्लैक है। तो एसी टर्मिनल हमारा एक ये होने वाला है, एक ये होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लू पेन से डिनोट कर देता हूं। तो ये हमारे दोनों एसी टर्मिनल होने वाले हैं। तो अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारे कैपेसिटर है इनका जो आउटपुट है यहां से जो निकलेगा, ये हमने इन दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देने हैं। ये वाला जो आउटपुट है यहां से हमने एक वायर ले लेनी है, ये आप देख पा रहे हो, इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो यहां से भी एक वायर ले लेनी है। तो मेरी ड्राइंग दोस्तों इतनी अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग को इग्नोर करना, आप सर्किट को समझिए सिर्फ। तो ये जहां पे कनेक्ट हो जाएगा, तो अभी तक हमारा इतना सर्किट ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट तक कंप्लीट हो चुका है। ये आपको होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके आगे क्या करना है, इसके आगे दोस्तों एक रजिस्टर आपको यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे कैपेसिटर दिख रहा है। दोस्तों ये वाला जो कैपेसिटर होने वाला है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होने वाला है, मतलब इसकी जो पोलैरिटी होने वाली है, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और इसके भी पैरेलल में हमने एक रजिस्टर लगाना है सेम वैल्यू का। अगर आपको 470 किलो ओम का मिलता है तो आप वो इस्तेमाल करिए, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे 220 किलो ओम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो रजिस्टर 1 मेगा ओम या जिसे हम 100 किलो ओम बोलते हैं वो सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ पे आपने लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों होप आपको यहां तक अभी तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, यहां से आउटपुट निकालना है जो कि डीसी का निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमारे दोनों सिल्वर मीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये टर्मिनल है जो कॉमन दोनों सिल्वर एंड का दो डायोड के, वहां से हमें पॉजिटिव मिल जाएगा आउटपुट में। और इसके बिल्कुल अपोजिट जहां पे दोनों ब्लैक कनेक्ट हो रहे हैं वहां से हमें नेगेटिव मिल जाएगा आउटपुट के लिए, ठीक है, डीसी आउटपुट, ठीक है। तो हमने ये वाला जो पॉजिटिव है यहां से एक वायर लेनी है और यहां पे इस रजिस्टर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये रजिस्टर दोस्तों हमने इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बिल्कुल पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी ये वाली वायर हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है तो मैं आपको बता देता हूं, ये कैपेसिटर है। तो इसके ऊपर एक ये पट्टी बनी होती है व्हाइट कलर की, ठीक है। यहां पे माइनस माइनस लिखा होता है, तो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये दूसरा वाला जो प्लेन होता है ये इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वाली पट्टी दोस्तों हमने यहां पे बनाई है, तो ये इसका नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो नेगेटिव टर्मिनल जो हमारा आउटपुट निकला है वो कनेक्ट करेंगे इस कैपेसिटर के साथ। तो यहां से हमने एक वायर ले लेनी है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से ये वाली वायर ले ली। यहाँ पे दोस्तों ब्लू वायर और ग्रीन वाली वायर आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो अब हम यहां से ये वाली वायर यहां ले जाते हैं और यहां पे इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पे रजिस्टर के दोनों टर्मिनल का कनेक्शन हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहां से एक वायर और लेंगे, तो इस वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो होप आपको यहां तक हमारा सर्किट आज का समझ आ चुका होगा, ठीक है, कि हमने क्या करा। तो दोस्तों अभी हमारा लगभग सारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें निकालना है आउटपुट। तो आउटपुट कहां से निकलेगा दोस्तों, यहां से ही हमने एक वायर ले लेनी है बाहर की तरफ और एक जो पॉजिटिव हमारा ये है तो इसको आप यहां से वायर ले आनी है। यहां पे आपने जंपर दे देना है क्योंकि ये आपस में कनेक्ट नहीं है। तो ये हमारी आउटपुट के लिए दोनों वायर निकल चुकी है। यहां पे आपको आउटपुट का पॉजिटिव मिल जाएगा, यहां पे आपको आउटपुट का नेगेटिव मिल जाएगा। तो इस सर्किट की खासियत दोस्तों ये है, इसमें आपको वोल्टेज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका लोड जितने भी वोल्ट का होगा ये ऑटोमेटिक उस लोड के हिसाब से अपनी वोल्टेज एडजस्ट कर लेगा, ठीक है।
तो आपको बेफिक्र होके ये वाला सर्किट किसी भी लोड की इनपुट में दे देना है, तो ये ऑटोमेटिक उस लोड के हिसाब से अपनी वोल्टेज एडजस्ट कर लेगा। तो काफी अच्छा सर्किट है दोस्तों, काफी मजेदार सर्किट है और बिल्कुल सिंपल सर्किट है और बिल्कुल कम खर्चे के साथ बनेगा। ठीक है, इसमें आपको किसी भी ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने सिरामिक कैपेसिटर की मदद से ही ये सर्किट बना लिया है और ये दोस्तों हाई एम्पेयर वाला सर्किट होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम इस सर्किट को बनाते हैं और इसको करते हैं फिर टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आ गया हमारा क्रोकोडाइल स्टैंड। अभी हम ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का सर्किट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चार डायोड ले लिए हैं, तो इसका हम अभी बनाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो इस वाले डायोड को हम इसके अंदर यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला जो डायोड है इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बना दिया है। ये कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव का आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव का आउटपुट मिल जाएगा और इन दो टर्मिनल के साथ आपने एसी इनपुट लगाना है। ठीक है दोस्तों, होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने कैपेसिटर के साथ इसके कनेक्शन कर लेने हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा कैपेसिटर, एक सबसे पहले इसके कनेक्शन करते हैं फिर दूसरे वाले के कनेक्शन करते हैं। तो इसको हमने इस क्रोकोडाइल स्टैंड के अंदर फिक्स किया। अभी हम दोस्तों इसके पैरेलल में रेजिस्टर लगाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास 470 किलो ओम का रेजिस्टर नहीं था और हमारे पास सिर्फ एक 220 किलो ओम का है, तो वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के साथ इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोस्तों 100 किलो ओम के दो रेजिस्टर सीरीज में लगा के 200 किलो ओम के बना के इस कैपेसिटर के पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो मैं इनको यहाँ पे रख रहा हूं, ये आप देख पा रहे हो। तो अभी इसके कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने इस कैपेसिटर के पैरेलल में रेजिस्टर लगा दिए हैं। सिमिलरली हमने दूसरे कैपेसिटर के पैरेलल में भी लगाने हैं। तो ये दूसरा कैपेसिटर ले लेता हूं और इसको भी यहां पे फिक्स कर देता हूं और ये हमारा जो रेजिस्टर है इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहां पे दूसरा वाला कैपेसिटर भी हमारा कनेक्ट हो चुका है, ये आप यहां पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो आगे के कनेक्शन क्या है दोस्तों, आगे हम यहां पे इन दो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, ये आप यहां पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमने कैपेसिटर यहां पे रखा और ये हमारा एसी इनपुट का पॉइंट है इस ब्रिज रेक्टिफायर का। तो यहां पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये वाले कैपेसिटर का जो आउटपुट है इस ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम सिमिलरली दूसरे वाले का भी कर लेना है। यह हमारा दूसरा वाला कैपेसिटर है, तो इसको हमने यहां पे कनेक्ट कर देना है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो, हमने दोनों कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन अभी तक कर दिया है। ठीक है, और यहां पे दोस्तों हमने इनपुट का एसी दे देना है और यहां से हमें डीसी आउटपुट अभी मिल जाएगी। तो अभी हमने करना है कैपेसिटर का कनेक्शन। तो कैपेसिटर ले लेते हैं दोस्तों हम यहां पे। तो दोस्तों ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ले लिया है, ये आप देख पा रहे हो, ये 100 वोल्ट का है और यहाँ पे 68 यूएफ है। तो आप यहाँ पे 100 यूएफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो या 68 यूएफ वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दोनों सेम ही काम करेंगे। तो ये हमारे पास दोस्तों रजिस्टर जिसकी वैल्यू है 220 किलो ओम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसका कलर कोड आप देख सकते हो, रेड रेड ग्रीन और गोल्डन है। ठीक है, तो अभी हम इसको
इस कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और इसके पैरेलल में हमने ये रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है 220 किलो ओम की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर लगा दी है ताकि ये हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर के सेंटर में ही आ जाए, ठीक है, जिससे हमारा सर्किट बड़ा नहीं बने, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे बाहर भी लगा सकते हो पैरेलल में, या फिर इसके सर्किट के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है ये ब्लैक वाला एंड है, तो इसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे दोनों सिल्वर एंड आते हैं हमारे डायोड के, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको इसके अपोजिट, यहाँ पे दोनों ब्लैक एंड आ रहे हैं डायोड के, वहां पे कनेक्ट करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ही ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर ही इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया है, ये आप देख पा रहे हो, ये अभी हमारा सर्किट बनके रेडी है। लगभग हमने सारा सर्किट कंप्लीट कर दिया है बताए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहां से अभी हमें आउटपुट मिल जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव का आउटपुट, यहाँ पे नेगेटिव का आउटपुट, और यहाँ पे हमें इनपुट देना है 220 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक जो हमारे घरों में आता है, ठीक है। तो हम ये एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेते हैं दोस्तों, ये हमने एक्स्ट्रा वायर को कट कर लिया यहाँ पे। सिमिलरली हमने इस साइड से भी कट कर देना है। अभी हमने कनेक्टिंग वायर्स लेनी है और यहाँ पे कनेक्ट करनी है आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इस सर्किट को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ और अभी वायर लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे रेड वायर हम आउटपुट के पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देनी है हमने। तो ये कनेक्ट हो चुकी है। तो अभी हमें ग्राउंडिंग के लिए एक वायर इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे पास व्हाइट कलर की वायर है, तो इसको अभी हम इसके इस साइड कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा सर्किट बन चुका है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सर्किट बना है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे इसकी टेस्टिंग, ये वाली वायर जो हमारा प्लग होने वाला है इसका इस्तेमाल करना है। तो ये हम करेंगे कनेक्ट एक यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो हमने यहाँ पे दोनों इनपुट भी कनेक्ट कर दी है, तो यहाँ से हमें अभी आउटपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास अभी बड़ी स्ट्रिप तो है नहीं, तो मेरे पास अभी 9 वाट की ये स्ट्रिप पड़ी थी जो मैंने एलईडी बल्ब से निकाली है। तो ये दो स्ट्रिप को दोस्तों मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, ये आप देख पा रहे हो। ये इस वाली स्ट्रिप का पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने वाइट कनेक्ट करी है। इस वाली स्ट्रिप का ये नेगेटिव है, यहाँ पे हमने ब्लैक वाली कनेक्ट करी है। तो इस स्ट्रिप का जो पॉजिटिव है इस वाली का, इसके नेगेटिव में दे दिया, मतलब ये सीरीज में हो गया। ये दोनों स्ट्रिप हमारी अब एक हो चुकी है, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रिप 9 वाट की थी और ये डबल स्ट्रिप होगी अभी 18 वाट की, ठीक है। तो अभी इस स्ट्रिप को हम जला के देखते हैं कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो दोस्तों अभी हम करेंगे अपने इस सर्किट को टेस्ट। तो अभी हमने अपने प्लग को इसमें लगाया और आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एलईडी चल पड़ा है और ये अच्छे से ग्लो कर रहा है। यहाँ पे हमारे कैमरा की जो लाइट है वो ऑन है, इसलिए आपको अच्छी ब्राइटनेस नहीं दिख रही है, ये कैमरा की लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो ऐसे ये बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है अभी। तो दोस्तों अभी हमने 18 वाट का लोड इस पे चेक कर लिया है। अभी ये 9 वाट का जो प्लेट है हमारे पास वो है, हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसको भी दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये वाला सर्किट इस 9 वाट के लोड को चला पाता है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सर्किट में डायरेक्ट एसी सप्लाई दी गई है, तो इस सर्किट में प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इस सर्किट को टेस्ट करते वक्त आपको बहुत ही प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आप अपने जो शॉक प्रूफ ग्लव्स होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी गार्डियन की देखरेख में ही टेस्ट करना। तो दोस्तों वोल्टेज के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमेशा किसी गार्डियन की देखरेख में ही बनाना है और टेस्ट करना है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके हाथ टच ना हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाए तो इतना इश्यू नहीं है, ये 100 वोल्ट के नीचे ही है, छोटा सा झटका लगेगा। बट अगर यहाँ पे टच हो जाता है इन दोनों में से किसी भी टर्मिनल के साथ, तो आपको एक भयंकर शॉक लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है, बेटर है आप किसी प्लास्टिक की चेयर पर बैठ के ही करें,
पैरों में शूज डाल लें, आपका किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट जमीन के साथ नहीं होना चाहिए, और आपने ध्यान रखना है यहाँ पे आपके हाथ टच ना हो, या फिर आप शॉक प्रूफ जो ग्लव्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम करते हैं इस वाले पीसीबी की टेस्टिंग की ये चल पाता है इस सर्किट के साथ या नहीं। तो चलिए अभी हम अपने प्लग को लगा लेते हैं। तो ये अभी हम अपने प्लग को लगाएंगे। तो ये हमने लगा दिया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये भी हमारा चल पड़ा है, ठीक है दोस्तों, और ये अच्छे से चल रहा है, ये ऑटोमेटिक वोल्टेज को एडजस्ट कर लिया है इसने अब इस पीसीबी के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो काफी अच्छा ये सर्किट बना है, आप देख चुके हो, ठीक है। तो आप इस सर्किट से किसी भी तरह का पीसीबी जो दोस्तों 5 वाट से लेके 50 वाट के बीच में हो तो उसे आप चला सकते हो, और ये सर्किट ऑटोमेटिक वोल्टेज को एडजस्ट कर लेगा उस पीसीबी के हिसाब से, ठीक है। आप इस पीसीबी की जगह किसी और लोड को भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।